आपने जेयूआई का नाम लिया, मैं जेयूआई के हवाले से आपको एक वाकया सुना देता हूं। मुझे याद है कि एक कैमरा सेशन था और उस सेशन के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के भाई साहब ने, जो मौलाना अताउर रहमान है, उन्होंने एक जनरल साहब से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनसे एक सवाल कर लिया और वो सवाल अजीब गरीब किस्म का था। 9/11 के बाद की बात है। अच्छा। और ये जिस वक्त उसामा बिन लादेन को यहाँ से वो एब्टाबाद अटैक हुआ और वो सारा मामला, ओके, उस वक्त जनरल साहब ने मौलाना अताउर रहमान को कहा कि मौलाना साहब बड़ी बातें करते हो, अगर मैंने, मुझे सब पता है कि आपके कौन से मदरसे को सऊदीया से फंड आ रहे हैं, आपके कौन से मदरसे को लिबिया से फंड आ रहे हैं, कौन कौन सी जमात कहां कहां से पैसे ले रही है, ऐसा ना हो कि आपके लिए जवाब देना औखा हो जाए। तो ये मामलात मुझे नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट कितना कोऑपरेट करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन जमातों को खोलना परोलना शुरू कर दें। तो चलो आज नवाज शरीफ ना भी, मियां शहबाज शरीफ ना भी खोले और कल इमरान खान आके खोलना शुरू कर दे, ये बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन ना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए तो ये था कि इस वक्त अगर ये इमरान खान की फॉरेन फंडिंग का फैसला आता तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग के मामला भी इकट्ठे ही उनके फैसले जो है और उनकी रिपोर्ट्स जो है और उनकी जो नतायज है वो दे देते, ताकि अक्रॉस द बोर्ड बात हो जाती थी कि एक पार्टी नहीं है, बाकी तमाम पार्टीज हैं और उनके ऊपर उंगलियां कम उठती। तो ये मैं आप बता दूं, खसूसन ये जो जो आपकी फिरका बनाना हो या मजहबी सियासी जमातें हों, बारों पैसे आते नहीं, अगले अपनी मसीतां चलाने वास्ते बारों पैसे लेने ले, थोड़ा की ख्याल है पार्टियां चलाने वास्ते नहीं लेंगे, ये तो कल इनके लिए बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको ये खोले तो फिर तो ये तो आधी से ज्यादा पार्टियां जो है ना वो बंद हो जाएगी, बैन हो जाएगी, क्योंकि पहले इन चीजों पर तवज्जो नहीं की जाती थी। इस किस्म की केयरलेसनेस तकरीबन हर पार्टी में की गई है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के फुड़े फुड़े ही कोई नहीं सा, इन्होंने पता सॉरी कोई नहीं सी, सब पता होने लगे जिस वक्त वकला ने वो एक्ट खोला है और अदालतों में पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ गई है। तो ये इस मामलात में पीडीएम की बहुत सारी जमातें भी जो है ना फर्स्ट है, इनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे और इनको ये जवाब नहीं दे सकेंगे।